चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे होंगे आज आप ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, चूंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, तो उन रूल्स को पढ़ने से बच्चों कुछ नहीं होगा। अगर आप उन रूल्स पर एक्सरसाइज करेंगे कि आज हम जो पढ़ते हैं उन पढ़ने पर हम देखते जाए कि हमको कितना समझ में आ रहा है, तब उसका आप जेन्युइन फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं जो मैं कुछ जोड़ता जा रहा हूं, आप इस सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डायरेक्ट आप इनका आंसर लिख सकते हो, अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं तो लिख लें, लेकिन इससे स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये पहले तीन सेंटेंसेस आपके सामने हैं, जल्दी से इनके आंसर्स लेके दिखाइए। सारे सेंटेंसेस आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है, सारे बच्चे करें। ये सारे सेंटेंसेस मैंने केपी बख्शे की किताब से दिया हुआ है, जो सेंटेंसेस एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से देखें और फिर मैं सेंटेंसेस आगे बढ़ाता जा रहा हूं। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर ले, जैसे भी वैसे कर सकते हैं। ये सारे वही रूल्स हैं, रूल्स पर बेस्ड सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स में और दे रहा हूं, देख लें, फिर मैं दूसरे सेंटेंसेस आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, उनमें आप क्या करते हैं। ठीक है, अपने आप को आजमाने की कोशिश करें आप। चलिए बच्चों, ये आपके सामने चौथे, पांचवें और छठवें सेंटेंसेस हैं, इनमें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें या फिर इनके आंसर्स डायरेक्ट अपनी कॉपी पे लिख लें आप। ये आपका टोटल मैं रिविजन करा दूंगा जितने रूल्स आपने पढ़े हैं, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लें, अच्छे से पढ़ लें और आंसर्स चाहे तो अपनी कॉपी पे लिख लें आप। वाक्यों के हिंदी अर्थ को भी समझने की कोशिश करें, स्पेशली वो बच्चे जो मॉडरेट लेवल, इससे आपको पढ़ना भी आएगा। जैसे यहीं लिखा ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो उल्टा पढ़ें बच्चों, यानी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह वह, ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। 30 सेकेंड और लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th, 8th और 9th। चलिए बच्चों, ये 7th, 8th और 9th क्वेश्चन हैं, देखें 2 मिनट के आसपास आपको लगना चाहिए बच्चों।
30 सेकेंड और बच्चों ले लें, 30 सेकेंड्स। वैसे जो अच्छे बच्चे होंगे आपने उन्होंने कर लिया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, 10th, 11th और 12th, देखें जल्दी से। अभी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं जो आपको आने चाहिए, आपको तैयार करने चाहिए इस तरीके क्वेश्चन, जो द मेजोरिटी पे हो, अ मेजोरिटी पे हो, द नंबर पे हो, अ नंबर पे हो। देखें 2 मिनट के आसपास में बच्चों। ध्यान से याद करने की कोशिश करें, अ मेजॉरिटी के साथ क्या होता है, द मेजॉरिटी के साथ क्या होता है, अ नंबर के साथ क्या होता है, द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने। चलिए 30 सेकेंड और देते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 आपके, 2 मिनट के आसपास समय लें, जल्दी से सॉल्व करें। कुछ डाउट्स जो आपके मन में रहे होंगे वो आज दूर हो जाएंगे इनके द्वारा, कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है इफ दीज एग्जांपल्स आर गिवन इन योर एग्जाम्स। 30 सेकेंड और बच्चों, ये टेस्ट समझे बच्चों कि हां अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हो तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है 16th, 17th और 18th, एंड फॉर यू देयर आर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स हैं आपके पास, सॉल्व करें।
धीरे धीरे मेहनत करें, सारे क्वेश्चंस मैं आपको तैयार करा दूंगा, जो भी आप पढ़ें वो सारा कुछ रिवाइज करते चले बच्चों। बस ये एक धर्म समझ लें कि जितना हमको पढ़ना है उतना हर हाल में क्या करना है, तैयार करना है, तो आपकी कभी मुश्किल नहीं आएगी। केवल रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ये आजमाने से होगा कि उन रूल्स को आप कितना अप्लाई कर ले रहे हैं, कितना समझ ले रहे हैं। कर लिया बच्चों, 30 सेकेंड और। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों ये देखें, और बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, करके दिखाएं, दो मिनट लें मेरा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों कर लिया होगा आपने, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए बच्चों ये देख लें, थोड़ा सा समय आपको लगना चाहिए, एक मिनट के आसपास, आपको डेढ़ मिनट के आसपास लगना चाहिए बच्चों, कर लें। ओके बच्चों चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चंस आपके हैं, देख लें जल्दी से। मुझे लगता है बच्चों मैं आपको जीरंड और इन्फिनिटिव पर 3 क्वेश्चंस और दे दूं, 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं,
ये लास्ट क्वेश्चन से बच्चों तीनों कर लें जल्दी से। ओके बच्चों, अब चलिए ये सारे 30 questions के करने के बाद हम कुछ रूल्स देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 30 questions में आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था तो मैंने इनके स्क्रीन शॉट नहीं ली हुई थी, तो आप पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी। और मैं क्वेश्चंस देखने के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, मैं सारे के आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और अधिक रूल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, अभी आपने पार्ट 4 में 30 questions मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया। इससे बच्चों आपको ये पता चला होगा कि हाँ, जो questions आपने किए उसमें से कितने आपने समझे, कितने नहीं समझे। जो आप नहीं समझे होंगे कमेंट्स में मेरे सभी पूछ लीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा आपको। और ये सारे वो questions हैं जो आपने पढ़े, यानी वो सारे रूल्स हो जो आपने पढ़े थे उन्हीं पर बेस्ड ये questions मैंने आपको। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल अपना। ठीक है, ये आप देखिए, इस रूल में आप ये जानेंगे कि अगर कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज, कोई भी नाउन हो या कोई नाउन फ्रेज हो, नाउन फ्रेज समझ लेना बच्चों, जैसे द बॉय एक नाउन फ्रेज हो जाएगा, द गुड बॉय ये भी एक नाउन फ्रेज हो जाएगा, द गुड कुछ और ले लें, द हाईली नोबल बॉय या ऐसा कुछ ले लें जो आपको एक पूरे फ्रेज की तरह, यानी नाउन उसका हेड हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव डिटरमिनर्स ये सारे हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई नाउन या नाउन फ्रेज दिया गया हो और इस नाउन फ्रेज के बाद कोई क्लास हो या कोई अन्य फ्रेज हो, तो आप ध्यान रखें कि इस क्लास या फ्रेज के अनुसार आपको वर्ब नहीं लेनी बच्चों। ये जो नाउन या नाउन फ्रेज आप छोड़े हैं पहले, उसके अनुसार आपको चलना है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, द लीडर एज फॉर हिज क्वालिटीज आर नॉट अब ये वाक्य है एक ऐसा वाक्य जिसमें बच्चे कुछ पूछ सकते हैं, जो मॉडरेट लेवल के बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि क्वालिटीज यहां पे है तो आर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये द लीडर है ना आपका, ये आपका एक नाउन फ्रेज हो गया, और आगे मैंने इसके अलावा एक पोस्ट मॉडिफायर ले लिया। ठीक है, ये यहां है एज फॉर हिज क्वालिटीज, ये बच्चों एज फॉर हिज क्वालिटीज क्या है, ये आपका एक मॉडिफायर है जो किसके बारे में बता रहा है, द लीडर के बारे में। लेकिन द लीडर की अभी वर्ब नहीं आपके पास आई है, जब लीडर की वर्ब आएगी तो वो कौन से होगी बच्चों, ये। और अगर ये आर है यहां पर, तो आर किसके लिए है, ये आर लीडर के लिए है, अगर लीडर के लिए है तो आर नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं,
देखिए, अब बोले बच्चों इसमें क्या गलत है। द शिप विच वॉज अराइविंग एट द शोर वर सेड टू हैव सम फॉरेन नेशनलिटीज। क्या गलत है बच्चों, बताएं इसमें। पूरे वाक्य को पढ़िए और बताएं क्या गलत है इस वाक्य में, स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। आ रहा है समझ बच्चों? देख, मैंने द शिप लिया, नाउन फ्रेज ले लिया मैंने, लेकिन अभी मैंने वर्ब नहीं ली बच्चों, मैंने पूरी क्लास ले ली विच। ये विच द शिप के लिए है, लेकिन ये अलग से क्लास आपकी रिलेटिव क्लास के रूप में या एडजेक्टिव क्लास के रूप में। तो द शिप विच वॉज अराइविंग एट द शो, ये क्या हो गई आपकी, वो एडजेक्टिव क्लास या पोस्ट मॉडिफायर जो इस शिप के बारे में बता रहा है। और फिर हमारे पास ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज किया गया, द शिप के। ठीक है, अगर द शिप के लिए आपने वर्ब यूज किया गया या आपने, तो क्या जस्टिफाई कर सकते हैं बच्चों? नहीं, ये वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाच। यही मैं कहना चाहता हूं, यानी आपका जो नाउन है वो ध्यान रखे आप। बहुत बार होता है पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हैं कि आप कहां से चले थे और उसकी वर्ब क्या हो। और एग्जाम्पल देखते हैं, दोज मेन सिटिंग इन द हॉल टॉकिंग वेरी लाउडली वाज वेरी। समझ गए बच्चों बात, इस तरीके का वाक्य आपको करना आना चाहिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में। जब आपने लिखा दोज मेन, मैंने लिया, फिर सेटिंग लिया मैंने, ये वर्ब नहीं, ध्यान रखिएगा ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चे, समझ रहे हैं ना, यानी हु वर सेटिंग, ये इसका आपका क्लास हो जाएगा। तो दोज मेन सेटिंग इन द हॉल, अभी वर्ब दोज मेन की नहीं आई है। टॉकिंग वेरी लाउडली, ये वर्ब इसकी नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इज एम आर वाज वर हैज बीन हैव बीन कुछ होता, कुछ नहीं है। तो दोज मेन सिटिंग इन द हॉल टॉकिंग वेरी लाउडली, और अब जाकर के वास के रूप में दोज मेन का क्या मिला आपको, वर्ब मिला। जैसे ही आपने ये देखा तो क्या ये सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा। ये वर्ब कह रहे हैं ये इसके साथ एग्री नहीं कर सकती है। कौन सी वर्ब एग्री करेगी बच्चों? वर्ब। समझ गए होंगे आप, इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करना सीखते हैं। चलिए अगला मेरा एक टिपिकल रूल बच्चों, उस टिपिकल रूल को समझाने से पहले, बताने से पहले मैं चाहूंगा आप एक चीज समझ लें। ये जो वर्ब होते हैं द, इसके तीन चीजें आपको जानना, इस वर्ब का मूड, इसका एस्पेक्ट और इसकी वॉइस। मैं सब अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन मेरा जो रूल से संबंधित टारगेट है वो मैं लेके चलूंगा। ये जो मूड होता है बच्चों, एक वर्ब का मूड होता है, यानी वो कौन से भाव में है, वो मूड कौन कौन सा होता है, वो मूड होता है आपका इंडिकेटिव, और होता है आपका इंपरेटिव, और होता है आपका सब्जंक्टिव। ये जो एस्पेक्ट होता है ना, ये आपके पास दो होता है बच्चों, एक होता है आपका प्रोग्रेसिव और एक होता है आपका परफेक्ट। ये दो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं वर्ब। और जो वॉयस तो है ये तो आप बचपन से जानते हैं बच्चों, आप याद है ना आपको, वॉयस एक होती है
एक्टिव और एक होते हैं आपकी पैसिव। इन पे फिर कभी डिस्कशन होगा, हमें चूंकि इससे संबंधित आज चलना है तो हम अभी इस पे बात कर ले। इंडिकेटिव क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई फैक्ट, कोई स्टेटमेंट वगैरह आपको दिया जाता है वो इंडिकेटिव मूड होता है। जैसे कोई कहे आपसे ही इज कमिंग, ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा? इंडिकेटिव मोड हो जाएगा। मीन जिसमें आपको कोई सूचना दी जाए, कोई फैक्ट्स वगैरह बताए जाए वो इंडिकेटिव होता है। इंपरेटिव आप समझते होंगे, इंपरेटिव मोड जिसमें कमांड दिया जाए, जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, जिसमें आपको कोई एडवाइस दिया जाए, मीन्स जिसमें फॉरवर्ड किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। जैसे कोई कहे आपसे बोधेव, ये क्या है आपका? इंपरेटिव मोड है जो आप जानते हैं। और सब्जंक्टिव क्या होता है? जिसमें अनरियल पास्ट की बात की जाए, जिसमें प्रोबेबिलिटीज की बात की जाए, जिसमें कंडीशंस की बात की जाए वो सब्जंक्टिव है। जैसे कोई कहे आपसे इफ आई वर, ये सब्जंक्टिव मोड है क्योंकि इस अवस्था में प्रेजेंट टाइम में ये विश जो है, ये इच्छा जो है, ये पूरी होने वाली नहीं। तो आज हमको जो डिस्कशन करना है वो इसी से करना है जो हमारा सब्जंक्टिव मोड है, जिसमें हम अनरियल पास्ट को दिखाते हैं। मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, जो वर्ब होती है उसका एक मूड होता है, वर्ब का एस्पेक्ट होता है, वर्ब की वॉइस होती है। जो मूड होता है वो इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव होता है। जो एस्पेक्ट होता है वो प्रोग्रेसिव में समझ लेंगे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो चुका हो। वॉयस आप बचपन से क्लास 9 से पढ़े हैं, एक एक्टिव वॉयस होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव वो जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव जिसमें सब्जेक्ट पैसिव होता है अर्थात वो कार्य कर नहीं रहा होता है, उस पर कार्य किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अब हम इनसे संबंधित कुछ रूल्स को देखते हैं। देखो बच्चों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं अनरियल पास्ट है, कहीं पर अनरियल पास्ट है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो उस समय कंप्लीट नहीं होने वाली है, तो आप ऐसी अवस्था में चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, आपको क्या लेना होता है? पास्ट इंडेफिनिट लेना होता है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में हम बी की बात करें तो उस बी की दो फॉर्म्स जो है वाज और वर लेना होता है। भले टेंस आपका वहां पे प्रेजेंट, जो भाव है भले प्रेजेंट आपका हो, ये जो वर्ब आपकी होगी वो वाज या वर होगी, लेकिन ये जो वर है ये नॉट प्रेफर, आप इसे वाज जो है आप इसे प्रीफर नहीं करेंगे। आप किसको प्रीफर करेंगे बच्चों? इसे प्रीफर, यानी चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, चाहे कोई सिंगुलर नाउन हो, सबके साथ आपको वर लेना है, ना कि वाज का प्रयोग करना है। जैसे If I was young, I would. जो दूसरी क्लास होते हैं उसमें स्थिति अनुसार आप would ले सकते हैं, could ले सकते हैं या might ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Would क्षमता दिखाने के लिए could और संभावना दिखाने के लिए might ले सकते हैं। क्या बच्चों ये वाक्य सही है? समझ रहे होंगे आपके ज्यादातर बच्चे समझ रहे होंगे कि वाक्य गलत है। भले ही एक नॉर्मल जनरल अवस्था में आप आई के साथ वाज लेते हैं, लेकिन ये ऐसी अवस्था है जो अब आपके शायद इस समय कंप्लीट होने वाली नहीं है, अर्थात आई के साथ यहां वाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। एक और वाक्य देखें,
कर लेंगे आप। ये इस समय उस लड़की के लिए प्रॉबेबल नहीं, संभव नहीं है। तो इफ शी वाज स्ट्रांग, यदि वो मजबूत होते मीन्स और स्वस्थ होते और अधिक ताकतवर होते तो शी कुड बीट द बॉय, वो उस लड़की को पीट सकती थी। यह एक ऐसी अवस्था है जो उस समय कंप्लीट होने वाली नहीं है, इसलिए वाज नहीं लेंगे बच्चों, क्या लेंगे आप, वर लेंगे। ठीक है, और समझते हैं। इफ आई वाज प्रेजेंट देयर, आई कुड सेव द लिटिल चाइल्ड। वो अगर उस समय वहां उपस्थित होता तो वो उस बच्चे को बचा लेता, वो बचा नहीं पाया, यानी ऐसा हो नहीं पाया, अर्थात कि उस समय उसके लिए संभव नहीं था। तो इफ आई वाज के बजाय क्या हो जाएगा बच्चों, इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई कुड सेव द लिटिल चाइल्ड। ओके, समझ रहे होंगे आप। कुछ और चेंज आ गया बच्चों, कभी भी अगर आई विश दिया गया हो, इट इज टाइम दिया गया हो, इट इज हाई टाइम दिया गया हो, या इट इज अबाउट टाइम दिया गया हो, इन चारों के साथ आपको क्या लेना होगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल, प्लूरल का मतलब मेरा है वास न लेकर के वर का प्लूरल। ठीक है, देखें इस सब का मतलब होता है एक तरह से ताश, यानी उस समय जब ये वाक्य बोला जा रहा है उस समय वो कंडीशन नहीं है तो वह अपने डिजायर को, अपनी विश को क्या कर सके, वो पूरा कर सके। इसे इनके साथ आप एक सपोजिशनल अवस्था में यानी अनरियल पास्ट में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेना होगा। ठीक है, जैसे पहले देखें, समझ लेंगे, कभी भी अगर आई विश है तो नॉर्मली हमेशा नहीं बच्चों, आगे हम आएंगे जहां हम इसका तोड़ ले सकते हैं, नॉर्मली आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेना है, अगर वास है तो वर लेना है, इट इज टाइम है और इसके बाद कोई प्लस है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेना है, इट इज हाई टाइम है और फिर प्लस है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेना है, इट इज अबाउट टाइम है और प्लस है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेना है। जैसे कोई कहे आई विश आई कैन हेल्प, जैसे आपने देखा आई विश है तो फिर आई के बाद ये जो प्लस है आपकी ये पास्ट इंडेफिनिट में जाए, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, तो फिर कैन की पास्ट क्या हो जाएगी बच्चों, यहां सेकंड लेने की तो आवश्यकता ही नहीं, खुद ही मॉडल है आपकी, तो कैन का पास्ट क्या होती है, आई विश आई कुड हेल्प हिम, यानी काश मैं उनकी मदद कर सकता। और देखें आई विश आई हैव मोर मनी, देखें सही है, आई विश आई हैव अ मोर मनी, गलत है बच्चों, जैसे ही आपने आई विश देखा आप तुरंत समझ जाए आई के बाद ये क्लास जो है ये आपकी हैव नहीं होगा, क्या बोलेगा है। और देखें इट इज टाइम वी स्टार्ट आवर जर्नी, ऐसे वाक्य बच्चों एग्जाम में भी आपको दे जाएंगे, तो बताएं यहां क्या गलत है, इट इज टाइम वी स्टार्ट, और यहां आपके पास है इट इज टाइम, जैसे आपने इट इज टाइम देखा और इसके बाद प्लस देखी तुरंत दिमाग में आए नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट होगा वो,
तो स्टार्ट का पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा, हो जाएगा, इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी होगा। और देखते हैं, इट इज हाई टाइम दे बिगिन कर लेंगे बाप। जैसे आपने इट इज हाई टाइम देखा तो क्लास देखी आपने, तुरंत दिमाग में आ जाए हमको इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, चाहे इट इज अबाउट टाइम हो, चाहे आई विश हो, इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट लेनी है। जो बिगिन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बिगैन, बिगैन देयर वर्क, ठीक है। और ये आज का लास्ट मेरा सेगमेंट देख लें, इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल हेल्प द, सोच के बताएं बच्चों ये वाक्य सही है या गलत, देख लें अच्छे से। आ रहा है बच्चों समझ में आपको, इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल हेल्प द पीपल। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को लगता होगा ये वाक्य सही है, कुछ ऐसे होंगे जिनको लगता होगा इफ आई बिकेम अ प्रेसिडेंट आई वुड हेल्प द पीपल, हो जाए सही है कह रहा हूं ना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होने चाहिए बच्चों जो ये कह सके कि इनकी कंडीशन क्या है। देख ये वाक्य बच्चों सही हो सकता है कब, यदि ये वाक्य कहा गया हो सेड बाय वन हु इज अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन। अगर ये वाक्य किसी इलेक्शन में कैंडिडेट के द्वारा कहा गया है तो ये वाक्य सही, लेकिन ये वाक्य गलत है कब, सेड बाय अ स्कूल, अब ये गलत है। प्रश्न वहां पे क्यों सही था और यहां स्कूल बॉय के साथ क्यों गलत है, क्योंकि बच्चे वो उसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इलेक्शन में खुद एक कैंडिडेट है, तो यही कहेगा ना यदि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए संभव है, यानी वो खुद कैंडिडेट है, संभव है उसके लिए, लेकिन ये स्कूल बॉय है इस अवस्था में इसके लिए ये संभव नहीं है, तो फिर इसका गलत हो जाएगा। तब बच्चों क्या हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, इफ आई बिकेम प्रेसिडेंट आई वुड हेल्प द पीपल, ये फर्क आ जाएगा आपका सोच में, ठीक है, समझने आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं। यानी अगर हम ले रहे हैं, फिर से देख लें, अगर हम ले रहे हैं इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल हेल्प द पीपल ऑफ माई कंट्री, आप सोच लें। अब ये वाक्य अगर ये वाक्य एक कंटेस्टेंट के द्वारा, यानी जो इलेक्शन में कैंडिडेटर के लिए खड़ा हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है तो ये वाक्य सही है, क्योंकि उसके लिए उस समय वो संभव है। लेकिन अगर एक वाक्य, अगर यही वाक्य
एक स्कूल बॉय हमारे आपके लिए चले रख लिया जाए, हमारे आपके द्वारा कहा जाए, तो हमारे आपके द्वारा ये प्रकट की गई एक इमेजिनेशन है, एक सपोजिशन है, जो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हम आप हैं, उस कंडीशन में अभी पूरी होने वाली नहीं है, अर्थात हमारे लिए अनरियल पास्ट, यानी एक सपोजिशन है, काल्पनिकता की दुनिया में हम है। जहां काल्पनिकता की दुनिया में है वहां वास्तविकता कैसे हो सकती है बच्चों? इसीलिए जब हम एक कंटेस्टेंट की बात करें, यानी एक कैंडिडेट की बात करें, तो एक कैंडिडेट के सेंस में, एक कैंडिडेट के सेंस में ये वाक्य क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर यही वाक्य हम एक स्कूल बॉय के सेंस में लेंगे, तो स्कूल बॉय के सेंस में यही वाक्य क्या होगा? गलत। दिस इज टू हिम, यानी आपको ये सोचना है इस पर कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये अवस्थाएं बस उनका फर्क करेंगे कि वो किस तरीके से हो रहा है। चलिए एक और वाक्य में आपको दिखा, अभी आपने एक वाक्य लिखा था, आई विश, आई है, चलिए एनफ टाइम लिख देता हूं मैं, एनफ। ये वाक्य देखिए बच्चों, सही है या नहीं, ये वाक्य सही है या नहीं, सही बोल, सही है ना? आई विश आई हैड एनफ टाइम, काश मेरे पास और अधिक समय होता। जिन बच्चों को लग रहा होगा पास्ट परफेक्ट बच्चों, उन बच्चों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां ये मेन वर्ड है, क्योंकि इसके बाद मैंने एनफ टाइम यानी नाउन फ्रेज लिया। जब मैंने मेन वर्ड के रूप में लिया, इसका मतलब ये हैव की सेकेंड फॉर्म है, और अगर हैव की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट एंड परफेक्ट है। ये वाक्य सही है बच्चों, लेकिन ये वाक्य देखें, आई विश I had, met him when I was then in the अभी बात देखिए बच्चों, सही है या गलत बताएं। I wish I had met him. अब हमने I wish के बाद I had met him, यानी past perfect ले लिया, क्योंकि rule तो कहा जा रहा है कि आपको I wish वगैरह के बाद past imperfect लेना है। तो फिर बताएं ये वाक्य सही है कि नहीं, सोचें और जवाब भी कमेंट्स में अपने आओ। सोच रहे हैं बच्चों, ये बात तो सही है, आई हैड एनफ टाइम, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहां पास्ट परफेक्ट हो गया, कैसे? ये वाक्य एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां आई विश को अलग कर दिया हमने, प्रेजेंट में लिया हमने, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया बच्चों, क्योंकि इसके पहले ये वाक्य है व्हेन आई वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी ये ऑलरेडी पास्ट है, तो इस पास्ट का भी पास्ट क्या होगा, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट होता है, यहां तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। अब अगर आप ये लेते, आई विश आई, ये आई विश आई मेट हिम व्हेन आई वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, दोनों घटनाएं पैरेलल हो गई, फिर कैसे आप यूज करें? इसलिए इसके बाद ही, यानी ये पहले हुआ ना, मैं उसे मिल लिया होता तब, जब मैं उस पार्टी में होता, तो फिर ये वाली क्लास आपको पास्ट परफेक्ट में रखनी होगी, क्योंकि ये वाली क्लास ऑलरेडी आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है। जिन बच्चों को फिर लग रहा होगा सर पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, यहां तो वास लिखा है, उन बच्चों को फिर से समझना होगा कि वास यहां मेन वर्ब बच्चों, ये प्रेजेंट है, एडजेक्टिव है ना, तो अगर ये मेन वर्ब है इसका मतलब बी की सेकेंड फॉर्म है ना, अगर ये बी की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों आज आपने कुछ अच्छी चीजें, जिसमें कमी आपने पढ़ी, अच्छी चीजें की आपने,
सबसे पहले आपने वो 30 जो सेंटेंसेस आपने बनाए उन्हें आप बार बार, दो तीन चार बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे अच्छे रूल्स आप मिल जाए। मैं अपने सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट एग्रीमेंट के सेंस में आपको पीडीएफ की फाइल्स भी रेगुलर डाल रहा हूं। पहले वाले मैंने पहला पार दिया था आपको, दूसरे मैंने पहले के साथ दूसरा पार दिया, और तीसरे मैंने पहला दूसरा और तीसरा एक साथ दे दिया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूं, आप केवल एक पार्ट ना पढ़िए, तीनों पढ़ लें एक साथ, फिर तीनों पढ़ लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। और उस रिवीजन करने के बाद ये जो आज आपने 30 सेंटेंसेस आपने साल में अगर आपने मन से किए हो तो एक्चुअली बच्चों आप मेहनत नहीं करना चाहते, ज्यादातर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे ना, आप समझिएगा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चे। आपको लगेगा अरे कहां भी एग्जाम होना ये वो, बहुत बार आप किसी त्योहार किसी सेलिब्रेशन को आप इंजॉय करना चाहते हैं ना, और वो अभी दूर होता है, लेकिन आपको बहुत जल्दी पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसका बहुत तीव्रता से शीघ्रता से इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही समय गुजर जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए जो समय है मिला आप इसका पॉजिटिव यूज कर लें, जितना पढ़ते जा रहे हो कहीं से भी, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जो भी आप पढ़ रहे हो सब आप रिवीजन करते चलें। ये मायने नहीं रखेगा आपने कितना पढ़ लिया है, ये मायने रखेगा कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितना आपने ग्रेस्ट किया है, कितना आपको आ रहा है, ठीक है। मेरी अपेक्षा होगी, मुझे आशा होगी, मेरा विश्वास होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे सब तैयार भी करके चलेंगे। तो कल सुबह मैं आपसे 9 से 10 शायद दूसरे सेगमेंट के साथ मिलूंगा, और फिर शाम को 6 से 7 मैं आपके साथ दूसरे सेगमेंट के साथ मिलूंगा, और 7 से 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।